हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल नीलम रावत सिंपल टिप्स में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और उसके आगे दी हुई बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दम आलू, और जिसे आप कश्मीरी दम आलू भी कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, 10 से 12 आलू लिए हैं, जिनको मैंने एक सीटी लगाकर उबाल लिया है और फोक की सहायता से मैंने छीट छीट कर लिए हैं। और कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया सरसों का, जो गर्म होने पर, और थोड़ा सा जीरा डालकर मैं इनको फ्राई करे ले रही हूँ। और मैंने ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं किए हैं, ज़्यादा तेल नुकसान करता। और यहाँ पर मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है चॉपर में। और ये देखिए चॉप हो गया है, अच्छा महीन हो गया है। आप चाहें तो चाकू की सहायता से भी कर सकते हैं। और इधर दूसरी तरफ हमारे जो आलू हैं वो भी हल्के ब्राउन से हो गए हैं, फ्राई अच्छे हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और फ्रेंड्स, आज मैं जो दम आलू आपको सिखा रही हूँ बहुत ही सरल तरीके से दिखा रही हूँ, और जो कि आप रोज़ बनाकर खा सकते हैं, कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आसान विधि से सिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर मैंने सभी आलुओं को निकाल लिया है, और आलू जो है छोटे साइज़ के ही लें दम आलू बनाने के लिए, जैसे कि मैंने लिए हैं। बड़े आलूओं का प्रयोग ना करें, जो बड़े थे उनको मैंने बीच से कट कर दिया है। तो यहाँ पर दोबारा से उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया 2 चम्मच, और तेल गर्म हो गया है, थोड़ी सी हींग डाल दूंगी मैं। और जीरा भी डाल दिया है थोड़ा सा, और जीरा जो है चटक जाएगा। उसके बाद अब मैंने ये काट कर जो महीन टमाटर भी मैंने उसी में डाल दिया था, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, सभी को मैं डाल दूंगी कढ़ाई में, और इनको हल्का ब्राउन होने तक भून लूंगी मैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ मैंने एक साथ डाल दी है, प्याज और टमाटर भी अलग अलग नहीं डाले हैं। तो बस इनको मैं चला लूँगी। और टमाटर प्याज जल्दी से गल जाए इसलिए मैं अब डाल रही हूँ इसमें स्वाद अनुसार नमक या आधी चम्मच, जिससे कि जो हमारा प्याज और टमाटर वगैरह है वो जल्दी से गल जाए, क्योंकि नमक से जो है जल्दी गल जाते हैं। और प्याज टमाटर सभी हमारा हो गया है, आप चाहें तो प्याज टमाटर को अलग अलग भी डाल दें। यहाँ मैं डाल रही हूँ मेथी, कसूरी मेथी है, जो थोड़ा सा हाथ से रब करके डाल दिए मैंने 1 चम्मच। अब इसमें मैं सूखे मसाले डाल लूँगी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो डाल दो, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने दोनों मिक्स करके डाल दिए, धनिया पाउडर, सभी को मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो मसालों को जो है दही के साथ भी फेंट लें, लेकिन मैंने यहाँ पर दही के साथ नहीं फेंटे हैं, दही मैं बाद में डालूंगी। दही मैंने फेंट के रख दिया है थोड़ा सा, 1/2 कप दही, गरम मसाला मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं मसालों को अच्छे से भूनने के लिए। और मसालों में से तेल जब छोड़ देंगे उसके बाद मैं डालूंगी 1/2 कप, बिल्कुल जो मसाले हैं स्लो, बिल्कुल गैस का फ्लेम जो है स्लो रखें, धीमा रखें, नहीं तो जो दही जब हम डालेंगे तो वो फट सकता है, और उसको चलाते रहें दही डालने के बाद। तो यहाँ पर हमारे जो मसाले हैं वो भी हो गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तेल जो है निकल गया है सभी मसालों में से। तो अब इसमें मैंने जो 1/2 कप दही फेंट के रखा है वो तो मैं इसमें मिला ले रही हूँ,
यहाँ दही जो है मैंने अच्छे से मसाले में मिला लिया है धीमी आंच पर। और दही मिलाने के बाद अब मैं डाल रही हूँ ये उबले हुए जो आलू थे जिनमें मैंने फोके साथ जो छेद कर लिए थे जिससे मसाला अच्छे से उनके अंदर आलू के अंदर जा सके, इनको भी मिला लूँगी मैं। तो सभी मसाला मैंने मिला दिया है, मैं डाल दूँगी इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी। थोड़ा सा 2 मिनट चलाने के बाद जैसे कि मसाले जो है अच्छे से मिल जाए आलू में, यहाँ 1 से 1.5 गिलास पानी मैंने डाल दिया। और जैसा आप ग्रेवी रखें उस हिसाब से पानी डाल लें और इनको 5 से 6 मिनट बस ढक के रख दूँगी मैं चला के। ये हमारे बिल्कुल ढाबा स्टाइल जो है दम आलू बनकर तैयार हैं, ढक के 5 से 6 मिनट में रख दूँगी धीमी आंच पर। देखिए फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट हो गया है और मैंने ये ढक्कन हटा के देखे हैं और हमारे दम आलू जो है बनकर बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए, सर्व करने के लिए। तो इस तरह से कोई झंझट भी नहीं है, आराम से इतने आसान तरीके से रोज़ बनाकर आप खा सकते हैं, घर में सभी को पसंद आने वाले हैं। और इस लॉकडाउन जो लगा हुआ है उसमें कुछ सब्जी अगर आपको नहीं मिल रही तो इस तरह से आप बार बदल बदल के आलू बनाएंगे तो घर में भी सबको पसंद आने वाले हैं। मैंने हरी धनिया डाल दी है थोड़ी सी ऊपर से और गैस का फ्लेम में बंद कर दे रही हूँ, बस आलू बनकर तैयार हैं जिनकी आप रोटी पराठे चावल किसी के भी साथ खाएँगे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से, ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। चलिए सर्व करने के लिए मैं बाउल में निकाल लेती हूँ, मैंने हरा धनिया भी ऊपर से डाल लिया है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये दम आलू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल नीलम रावत सिंपल टिप्स को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।